हेलो दोस्तों, फेस है आपका अपना दोस्त आपका यार सुनील कुमार नई वीडियो के साथ बिल्कुल तैयार। या तो फेस है आपके सामने एक नई कंपैरिजन वीडियो जो कि हमारे सब व्यूवर्स की डिमांड पर आ रही है। काफी सारे व्यूवर्स ने हमें ये बोला था कि फिलिप्स SPA9080 ज्यादा अच्छा है या T60x, तो हमें होम थिएटर मिला है। हमने सोचा है कि चलो कंपैरिजन करके ही दिखा देते हैं उनको कि कौन सा अच्छा उन्हें लगता है और कौन सा नहीं। इसके फीचर्स बताएंगे और इनके दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देंगे, जिससे आप सब लोग खुद डिसाइड कर सकोगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है। किसी के लिए फिलिप्स होगा और किसी के लिए T60x। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को और एंजॉय कीजिए। ओके, सो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। देखिए सबसे पहले करते हैं फीचर्स की बात। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा F&D T60x के अंदर दो इसके स्पीकर्स हैं जो आवाज़ के लिए हैं। दोनों में एक एक ट्विटर भी है, एक वूफर है जो 8 इंच का है, साइड में होता है और सामने एग्जॉस्ट है। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो कनेक्टिविटी फीचर्स में सबसे पहले आता है NFC यानी कि नियर फील्ड कनेक्टिविटी, जिसके बारे में मैं आपको F&D T60x की अनबॉक्सिंग में बता चुका हूँ। और उसके बाद आता है USB कनेक्टिविटी यानी कि आप USB से कोई भी USB स्टोरेज डिवाइस लगा सकते हो, जैसे कि पेन ड्राइव, कार्ड रीडर के अंदर मेमोरी कार्ड लगा के। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल कनेक्टिविटी, रिमोट और फिर आए इसके साथ FM। तो ये तो हो गए इसके कनेक्टिविटी फीचर्स एंड रिमोट। नेक्स्ट अब बारी आती है फिलिप्स SPA9080 के फीचर्स की। इसके अंदर एक स्पीकर है जो आवाज़ के लिए है, दूसरा इसके अंदर एक ट्विटर है, एक एग्जॉस्ट होल है, साइड में इसका 8 इंच का वूफर है। सब कुछ सेम है लेकिन इसके अंदर स्पीकर एक है और T60x में दो स्पीकर थे। अब है इसके कनेक्टिविटी फीचर्स की बारी। कनेक्टिविटी फीचर्स में आप देख सकते हो USB कनेक्टिविटी है, FM रेडियो है, कैरियोके है। कैरियोके का मतलब है कि आप सॉन्ग वगैरह गा सकते हो माइक लगाकर। और दूसरे लास्ट में इसकी लिखी हुई है इसमें PMPO वोल्टेज जो है 9000 वोल्ट PMPO। अगर हम वोल्टेज की बात करें T60x की, तो T60x की PMPO वोल्टेज है 11000 वोल्ट। कनेक्टिविटी फीचर्स के मामले में फिलिप्स SPA9080 के अंदर एक फीचर कम है जो है NFC का यानी कि नियर फील्ड कनेक्टिविटी, जिसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब फोन में नहीं होता, किसी किसी फोन में होता है। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ द साउंड। और कंपैरिजन स्टार्ट होता है पैनासोनिक SPA9080 से। पहले हम इसकी आवाज को चेक करेंगे। आवाज अभी कम है और अब मैं आवाज को धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों ये थी देखिए फिलिप्स SPA9080 की आवाज़, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवाज़ बहुत क्लियर थी और बेस अच्छी थी। तो अभी कंपैरिजन के लिए हम अभी साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं F&D T60x का साउंड कंपैरिजन। उसको भी हम वैसे ही कम आवाज़ से स्टार्ट करेंगे और फिर आवाज़ को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसमें भी मैंने अभी आवाज़ कम रखी हुई है और अब मैं धीरे धीरे इसे बढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि मैंने दोनों ही साउंड की आपको कंपैरिजन करके दिखाई है, आप लोगों को भी फील हो ही गया होगा कि जो आवाज़ है और बेस है वो ज़्यादा तो है F&D T60x की। फिलिप्स SPA9080 में उतनी ज़्यादा आवाज़ और उतनी ज़्यादा बेस नहीं है। क्लियरिटी के मामले में हम बोल सकते हैं कि ये F&D T60x से थोड़ा ज़्यादा क्लियर आवाज़ देता है, लेकिन ज़्यादा अगर आवाज़ की बात करें तो वो इसके अंदर है।
अब आती है बारी इसकी एक्सेसरीज की, तो करते हैं इसकी एक्सेसरीज का कंपैरिजन। ये एक्सेसरीज आती हैं आपके फिलिप्स SPA9080 की, और वहीं दूसरी तरफ एक्सेसरीज आती हैं F&D T60x की। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा F&D T60x का रिमोट, जो आप देख सकते हो कि एक टीवी के रिमोट की तरह दिख रहा है, और इसके अंदर रबड़ के बटन है जैसे कि मैक्सिमम टीवीज के रिमोट में होते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके बटन ऊंचे उठे हुए हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिमोट जो है फिलिप्स SPA9080 का, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके बटन काफ़ी स्लिम बनाए हुए हैं। इसके अंदर सब बटन मैक्सिमम रबर के ही हैं और ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, स्लिम है। कुछ बटन इसके अंदर प्लास्टिक के हैं जो कि देखिए आप देख सकते हो वॉल्यूम के हैं, नेक्स्ट और बैकवर्ड दोनों ऐसे हैं, और प्ले का है, ऐसे कुछ बटन हैं, ये प्लास्टिक से के टाइप में बनाए हुए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है इसकी कनेक्टिविटी के लिए वायर्स। कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर एक RC केबल दी हुई है और एक ऑक्स केबल दी हुई है जो है फिलिप्स SPA9080 में, और इसी तरह F&D T60x में भी एक RC केबल है और एक ऑक्स केबल है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक वायरलेस माइक जो मिलता है F&D T60x के साथ। ये F&D T60x के साथ एक वायरलेस माइक है, आप देख सकते हो किस तरह का माइक है। इसके अंदर रेड कलर की कैप लगी हुई है लास्ट में। इसी तरह फिलिप्स के होम थिएटर में भी आपको इसी तरह एक वायरलेस माइक मिलेगा। ये माइक थोड़ा उससे हैवी है और देखने में भी उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। तो चेक करते हैं इसके माइक्स को। हेलो, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि मैं माइक के अंदर बोल रहा हूँ और हमें काफ़ी ज़्यादा इको नहीं सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे साइड में इको के लिए बटन है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी खुद की इको को हम सेट नहीं कर सकते इसमें से। तो आप देख सकते हो, हेलो, देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी इको नहीं है, इतनी ज़्यादा इको नहीं है, निगलिजिबल सी इको है, हमें उसका ज़्यादा पता नहीं चलता है। इसी तरह से हम अभी चेक करने वाले हैं फिलिप्स के माइक को, तो फिलिप्स के माइक से हमें पता चलेगा कि उसकी कैसी इको है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके माइक को अगर हम ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो इसके माइक की थोड़ी आवाज़ कटने लग जाती है। ज़्यादा दूर तो क्या, थोड़ी सी ज़्यादा दूर भी लेके जाएंगे और बीच में अगर कोई और आ जाता है, कोई और सामान आ जाता है, कोई और बंदा आ जाता है, तब भी इसकी माइक का काफ़ी सिग्नल कट होता है। दूसरा आता है हमारे पास फिलिप्स SPA का माइक, अब हम इसे चेक करेंगे। हेलो, इसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक की वॉल्यूम के एडजस्टमेंट के लिए है और इको की एडजस्टमेंट है जो कि है इसके बैक में, मैं आपको वो चेक करके दिखाना चाहूँगा। हेलो, देखिए मैंने इसकी इको को बढ़ाया है और इसकी इको देखिए काफ़ी बढ़ चुकी है। हेलो, और देखिए मैंने इको कम कर दिया है तो इको बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, अब मैं इको को फिर से बढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैं इको को कम भी कर सकता हूँ, इको को ज़्यादा कर सकता हूँ, और F&D T60x में इको को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस मामले में इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है कि हम इसको कर सकते हैं। उसके ऊपर कैरियोके का फीचर दे रखा है, अलग से मेंशन किया है, यानी कि हम उसमें कैरियोके अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस पर कैरियोके मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किया है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर हम ब्लूटूथ से सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और माइक से हम गाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में आवाज़ ख़राब हो जाती है, या फिर बीच में आवाज़ कटने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा मिस होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिलिप्स में मैंने ट्राई किया था, उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि उन्होंने वो कैरियोके के लिए भी बनाया है। तो अब बात करते हैं इन दोनों होम थिएटर्स की प्राइसिंग की। तो दोनों ही होम थिएटर की जो MRP है वो है 14,900 के अराउंड। तो दोनों ही होम थिएटर्स की MRP तो एक समान है, लेकिन F&D आपको मार्केट में काफ़ी सस्ता मिल जाता है, बजाय इसके कि फिलिप्स आपको सस्ता मिले, फिलिप्स आपको महंगा मिलता है। तो अगर आप लोग मनी वैल्यू की बात करते हो तब मनी वैल्यू के हिसाब से आपके लिए F&D T60x ज़्यादा अच्छा है बजाय कि आप लोग फिलिप्स को लें। लेकिन अगर आप लोगों को आवाज़ की क्लियरिटी ज़्यादा चाहिए और मनी वैल्यू की आपको कोई परवाह नहीं है कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साउंड ज़्यादा है या कम है, लेकिन आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि साउंड क्लियर होनी चाहिए, तब आपको फिलिप्स लेना चाहिए क्योंकि फिलिप्स ज़्यादा पैसे भी लेगा आपसे, साउंड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, साउंड थोड़ी कम है इसकी T60x से।
तो आपको ये दोनों चीजें फिलिप्स में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, लेकिन माइक के अंदर आपको उसके अंदर अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। माइक की आवाज़ आपकी बिल्कुल भी कट नहीं होगी, माइक की आवाज़ में आपको ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा दूर जाकर भी आप बात कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी बोलोगे वो सुनाई देगा, आप कैरियोके का मजा भी ले सकते हो। F&D T60x के अंदर आपको कैरियोके में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और आपको थोड़ी सी दूर जाने पर आवाज़ में से मिसिंग होनी शुरू हो जाएगी वायरलेस माइक से। तो ये दोनों के अंदर माइक में कंपैरिजन है, दोनों की साउंड में आपको दिखा चुका हूँ कि साउंड ज़्यादा है F&D T60x की, काफ़ी ज़्यादा है साउंड, क्लियर भी इसकी काफ़ी साउंड है, लेकिन फिलिप्स से ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर क्लियरिटी के मामले में आप फिलिप्स को देखोगे तो फिलिप्स ज़्यादा क्लियर आवाज़ देगी, लेकिन वो आवाज़ ज़्यादा नहीं दे पाएगी आपको जितनी ज़्यादा F&D T60x की है। तो आप लोग खुद ही इस चीज़ को आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप ज़्यादा पैसे लगा कर भी सिर्फ क्लियरिटी के लिए अगर आप ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हो और एक ब्रांड के नाम पर ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हो तो आपके लिए फिलिप्स अच्छा है। अगर आप लोग अपने पैसे ज़्यादा नहीं लगाना चाहते या फिर आप लोग ये देखना चाहते हो कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन आपको उस हिसाब से फीचर्स और उस हिसाब से आउटपुट भी मिलना चाहिए तो आपको F&D T60x ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको आवाज़ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी और बहुत ज़्यादा साउंड मिलेगी, जो सब लोग आजकल के टाइम में डिमांड करते हैं कि साउंड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का एक कंपैरिजन वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डेली आप लोग मुझसे पूछते थे कि SPA9080 लेना चाहिए या T60x लेना चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ है, आपका कुछ फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा थोड़ा हमारा भी कराओ यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार आए हैं, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग मेरे चैनल को और ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भाई तरक्की करे, और जितना ज़्यादा मैं तरक्की करूँगा उतनी ज़्यादा मैं और आपके लिए वीडियोज़ लाऊँगा, आप लोगों की और हेल्प कर पाऊँगा। सो दोस्तों बाय बाय, अब मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है मेरे जाने का, तो अब आपको मिलेगा अगली वीडियो में, आपका अपना यार सुनील कुमार।